हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सबमिट में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं धान अधिप्राप्ति के बारे में। दोस्तों, यहां पर धान अधिप्राप्ति का जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है, आप लोग 16 अक्टूबर से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैंने पिछला वीडियो दो तीन वीडियो ऐसे बना दिए हैं कि जो 16 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है और आप अपना फॉर्म को पूरी तरीके से फिलअप कर देंगे। बिक्री कब से चालू होगा दोस्तों? 1 नवंबर से चालू हो जाएगा, जो वेबसाइट पर पूरी तरीके से डाला गया है। तो दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो भी खाता डालते हैं, प्लॉट डालते हैं, खेसरा संख्या डालते हैं, तो किसी किसी का फॉर्म डालते समय वो एरर आ रहा है, यानी कि फॉर्म फिलअप ही नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत सारी समस्या का समाधान करना पड़ेगा। तो सभी किसानों के लिए दोस्तों खुशखबरी है, सभी समस्या का मैं समाधान लेकर आया हूँ। देखिए क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि जो धान अधिप्राप्ति ये क्यों फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आप अधिक मूल्य में पैक्स या व्यापार मंडल में अगर आप धान बेचना चाहते हैं, बिहार में दोस्तों धान बेचने के लिए पैक्स या व्यापार मंडल में सबसे पहले आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको नंबर लगानी होती है। ऑनलाइन कर दिए तो नंबर आपका लग गया। अब जो पैक्स अध्यक्ष हैं या व्यापार मंडल के जो भी हैं, वो क्या करेंगे, आपका आपके जो भी नंबर डाला गया है उस पर कॉल करके आपका जो भी है धान ले लेंगे अधिक मूल्य पर, और आपको उसका अच्छा मूल्य के रूप में आपको पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। जो भी आप किसान पंजीकरण संख्या में आप बैंक अकाउंट डाले हैं उसी अकाउंट पर जाएगा। तो फाइनली आप समझ गए होंगे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर आपको बताते हैं कि कौन सा खाता डालना है, कौन सा प्लॉट डालना है, कितना रकबा डालना है, किन्हीं किन्हीं का फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है, तो किन्हीं का कुछ दिक्कत आ रहा है, तो मैं सभी समाधान को लेकर आया हूँ। सबसे पहले फॉर्म को रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है, उसके बाद फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप करना है, और याद रहे कि जो भी आपने जमीन का रिकॉर्ड लगाए हैं, जैसे कि जमीन का रसीद, उसका भाग संख्या प्लेट संख्या मालूम होना चाहिए। अगर वो निकलने नहीं आ रहा है तो आप जमाबंदी जाकर देखकर भाग संख्या प्लेट संख्या निकाल कर वहां पर जमाबंदी विवरण अटैच कर दीजिएगा। वहां पर सर्च करना है, कुछ अपलोड नहीं करना है, वहां पर सर्च कर लेना है। दोस्तों, अगर खुद का जमीन है, रैयत किसान है, तो आप 250 क्विंटल तक धान दे सकते हैं। अगर आप गैर रैयत है, दूसरे के जमीन पर करते हैं, तो 100 क्विंटल तक आप इसमें पैक्स या व्यापार मंडल में धान दे सकते हैं। तो चलिए, कैसे नंबर लगाना है और कैसे खाता प्लॉट खेसरा डालना है, तो सारी जानकारी के साथ ये वीडियो लाया हूँ। चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर जाकर दिखाते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए मैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलता हूँ। सबसे पहले दोस्तों क्या कीजिएगा, गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजिएगा। गूगल पर टाइप कीजिएगा onlinesubmit.com। याद रहे कि सबमिट में आपको DT टाइप कर देनी है, और जो पहला वाला वेबसाइट शो करेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, मैं जैसे ही क्लिक किया, ऑफिशियल वेबसाइट पर हम चले गए हैं onlinesubmit.com का। आप देख सकते हैं इस साइट पर दोस्तों हर एक तरह के न्यू अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, नीचे आ जा देता हूँ और एक कैटेगरी नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है बिहार ऑल साइट, बिहार में जितने भी वेबसाइट है यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर खरीफ धान अधिप्राप्ति ऑनलाइन 2022-23 हेतु आवेदन प्रपत्र, इस पर क्लिक करेंगे, एड्स आ रहा है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके के यहाँ पर आवेदन यहाँ पर दिया गया है, नीचे देता हूँ। फॉर्म भरने के लिए देखिए ऑलरेडी स्टार्टेड है, इन्हें दिया गया है, लास्ट डेट कोई अभी सीमा नहीं है। तो मैं बता दूँ कि 16 अक्टूबर से ही ये चालू कर दिया गया है, और आप अपना फॉर्म को पूरी तरीके से फिलअप कर लें। नीचे जाता हूँ, धान अधिप्राप्ति का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसा कि मैं वीडियो में सारा स्टेप बता दिया हूँ कि गैर रैयत किसान 250 क्विंटल और गैर रैयत 100 क्विंटल, वीडियो में पूरी तरीके से बता दिया हूँ। 1 नवंबर 2022 से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है, धान अधिप्राप्ति मतलब बिक्री का जो है वो 1 नवंबर से शुरू होगा। अभी फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर खरीफ धान अधिप्राप्ति 22-23 हेतु आवेदन पत्र, सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि किसान का पंजीकरण संख्या नहीं है तो इस लिंक पर क्लिक करना है। पंजीकरण संख्या है किसान संख्या, तो यहाँ पर डाल के सर्च पे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं भूल गया हूँ तो किसान पंजीकरण पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट प्रोसेस टू होम पेज करके आ जाएंगे। इस पे देखिए पंजीकरण का ऑप्शन है, पंजीकरण जाने पर क्लिक कर देंगे। मैंने पहले से ही यहाँ पर पंजीकरण कर रखा है, इसके लिए पंजीकरण मैं जानना चाहता हूँ। अगर आपको करना है तो पंजीकरण करे पर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया हूँ, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर से जान सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करके जान लेता हूँ।
जैसे ही दोस्तों मोबाइल नंबर और यहाँ पर पंजीकरण संख्या डाला तो यहाँ पर पूरा डिटेल्स मेरा बता दिया, और यहाँ पर जो भी यहाँ पर पंजीकरण संख्या है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए मैं कॉपी कर लिया, यहाँ से मैं कॉपी कर लिया और जो पहला वाला वेबसाइट है इस पर हम चले जाएंगे। देखिए दोस्तों इस वेबसाइट पर आ जानी है, जो भी आपने पंजीकरण संख्या यहाँ पर कॉपी किया है वहाँ पर पेस्ट कर देना है और सर्च वाले बॉक्स पे यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैंने पंजीकरण संख्या डाला यहाँ पर जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम, राजस्व गांव नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, लिंग, श्रेणी, बैंक आईएफएससी कोड, खाता संख्या, सभी चीज यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरीका से आप जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पर बता दूं कि जैसे कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अब देखिए जब मैं नीचे आया तो यहाँ पर दे रहा है बैंक खाता विवरणी, बैंक खाता विवरणी, बैंक का नाम यहाँ पर दिया गया है, बैंक शाखा, बैंक का नाम यहाँ पर, जो भी शाखा है जहां पर आपका बैंक है वहां का नाम डालना है, क्या आपके बैंक खाता आधार से लिंक है, यहाँ पर अगर लिंक है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नहीं। दोस्तों आपको लिंक होना बहुत ही जरूरी है, इसको हाँ ही कीजिएगा। और जो भी आपका शाखा है तो शाखा का नाम डाल दीजिएगा जहां पर आपका बैंक है। तो चलो मैं इतना चीज डाल दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप पैक्स के सदस्य हैं, तो यहाँ पर हाँ या नहीं में यहाँ पर चयन करना है। धान पैक्स या व्यापार मंडल का चयन, किसमें आपको धान बेचना है, पैक्स या व्यापार मंडल, इस दोनों में एक पर क्लिक करना। मैं पैक्स में देना चाहता हूँ, पैक्स पे क्लिक कर लिया है। किसान का प्रकार, रैयत है या गैर रैयत, रैयत है तो ठीक है, गैर रैयत है तो भी ठीक है, तो मैं गैर रैयत हूँ तो गैर रैयत पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर गैर रैयत क्लिक किया हूँ तो बटाईदार है या वार्षिक या मासिक किराए पर लिए हैं या अनुबंध कृषि पर काम कर रहे हैं, जो भी है आपका बटाईदारी है तो बटाईदारी का काम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आधार में जो भी आपका एक पहचान चिन्ह देना है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता फोटो पहचान, राज्य सरकार द्वारा निर्गत कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ मतदाता फोटो पहचान पत्र, पहचान पत्र का संख्या डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो गैर रैयत है यहाँ पर अंचल का नाम, पंचायत का नाम, गाँव का नाम, कौन से खाता में आप खेती किए हैं, कौन सा प्लॉट में खेती किए हैं, सारा डाल लेंगे। और यहाँ पर कुल रकबा डालेंगे कि कितने जमीन पर आप खेती किए हैं। देखिए तो अगर आपको बता दूं कि एक बीघा पर आपको, यानी कि आपको एक बीघा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक एकड़ पर आपको कितना डालना है, वो चीज मैं बता देता हूं। एक बीघा पर आप लोग कम से कम 25 क्विंटल तक धान देने की अनुमति रहती है, तो यहां पर आप डाल सकते हैं टोटल रकबा जोड़ के। जमीन का मालिक का नाम क्या है, और यहाँ पर एक ऐड यहाँ पर नया जोड़ कर यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर धान उत्पादन हेतु बुआई की जमीन का विवरण कुल एकड़ में डालना है, यहाँ पर जितना डालेंगे यहाँ पर शो करने लगेगा, नहीं शो करेगा तो डाल दीजिएगा। संभावित कुल धान की मात्रा क्विंटल में कितना जानते हैं, गैर रैयत डाले हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 क्विंटल दे सकते हैं। उसके बाद घोषणा पत्र पर क्लिक करना है, आगे बढ़े पर क्लिक करके आपको ओटीपी लेकर फाइनल कर देनी है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर रैयत है, खुद के जमीन पर खेती करते हैं, तो यहाँ पर रैयत किसान कर देंगे। तो चलिए मैं रैयत कर लेता हूँ। अब रही बात कि मैं अगर रैयत कृषक हैं, खुद के जमीन पर खेती करते हैं, तो मतदाता पहचान पत्र तो दे ही दिए, लेकिन तो जो यहाँ पर जिला का नाम डालेंगे, अंचल का नाम, हल्का, पंचायत का नाम, गांव का नाम। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात, खाता प्लॉट डालने में दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो जमाबंदी पंजी का भाग संख्या, जमाबंदी पंजी का पृष्ठ संख्या, भाग संख्या और पृष्ठ संख्या जो रसीद है उसका यहाँ पर अटैच कर लेनी है। तो चलो मैं, मेरा भाग संख्या एक है और पृष्ठ संख्या यहाँ पर 25 है, 25 डालकर जमीन के विवरण खोजे पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर जमीन का विवरण क्लिक किए, यहाँ पर देखिए पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिखा दिया, पूरा देख सकते हैं, जो भी जमीन का रिकॉर्ड है सारा चीज दिखा दिया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किसमें कितना जमीन है, सारा चीज आ गया। धान उत्पादन हेतु बुआई की गई जमीन का विवरण इतना है, 3.25 यानी कि 3 एकड़ 25 डिसमिल के करीब यहाँ पर जमीन है, एकड़ में डालना है, ये बात ध्यान देना, एकड़ में लेगा। उसके बाद कुल संभावित धान की मात्रा क्विंटल कितना देना चाहते हैं, तो रैयत है तो 250 क्विंटल तक दे सकते हैं, आपको पहले ही यहाँ पर बताए हैं। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं, पूरी तरीका से यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर खाता प्लॉट में आपको दिक्कत आ रहा है, देखिए इस प्लॉट में 3 गो यहाँ पर ऑलरेडी चढ़ गया है, तो इसमें कोई भी जमीन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी जमीन नहीं दिख रहा है। रिकॉर्ड हटाए, रिकॉर्ड हटाए, रिकॉर्ड हटाए, तीनों पे क्लिक करके इसको हटा लेंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड हटाए पर क्लिक करके पूरी तरीके से यहाँ पर रिकॉर्ड हटाए पर क्लिक कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं पूरी चीज यहाँ पर दिखा रहा है। अब डायरेक्टली यहाँ पर घोषणा पत्र पे एग्री करके आगे बढ़े पर क्लिक कर लेता हूँ। फिर से दोस्तों मैंने यहाँ पर इस कैप्चे को डालकर डायरेक्टली क्या करेंगे, सुरक्षित करें पर क्लिक कर लेता हूँ।
फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी तरीके से मेरा फॉर्म फिलअप हो गया है। अब देखिए खरीफ धान अधिप्राप्ति 22-23 हेतु आवेदन प्रपत्र OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। जो किसान रजिस्ट्रेशन में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो उस पर OTP गया है, उस OTP को फिलअप करके आप लोग फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद एक रिसीविंग प्राप्त होगी, उस रिसीविंग को आपको प्रिंट आउट कर लेना है या दोस्तों PDF फाइल में सेव कर लेनी है। और पूरी तरीके से आप अपना धान का जो भी है बिक्री करना चाहते हैं, धान बेचना चाहते हैं, आपका ऑनलाइन आवेदन लग गया है, आपका नंबर लग गया है, आपसे खुद कॉन्टेक्ट करके आपका धान ले लिया जाएगा और आप अपना पूरी तरीके से धान अच्छे मूल्य पर बेच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए देते मिलते हैं अगले वीडियो की ओर।